अरवा लुत्फ चार लफ्ज तेज है यार। बैठा ही चश्मे के किनारे के भर में जाबलू पहाड़न में साइड में चश्मो वह तो चश्मे जो हल्को हल्को शोर आए जो आवाज़ आए खुदसो आवाज़ से गड मानी खाई जाए इतने संगत सान गड आए मथा हल्की हल्की बूंदाबारी में वसे पी सारा कुछ पड़ा है कोल्ड ड्रिंक गड आए मथे आसमान चिकन कढ़ाई गड आए आसमान पे बादल आए हल्की हल्की बूंदाबारी हले पी कौरमू है चश्मे जो पुरसोज आवाज़ आए उन सजे ट्रिप के सजी अस टाइम जो जी कैंपिंग है इनके एडो खूबसूरत बनाया है मतलब के ये असा इमोशन्स उनके अस लफ्जन में ना बयान कर सको इनके जस्ट इतने अची इन माहौल में अची फील कर सकते तो महसूस कर सकते तो लिटरली स्पीकिंग मैं जिंदगी में घना टूअर क्या पर ये जो टूअर थे बेस्ट चवण जो मतलब के जिंदगी में इलाही सारा टूअर क्या उन सभी जो रोमांस है हर टूअर जो रोमांस है नंगर में अस जबलन में हाइकिंग कंदा आयो होते कैंपिंग कंदा आयो उनको पेंजो रोमांस है रन ऑफ कच्छ में बात किया रन ऑफ कच्छ में मानु हर में किया बलूचिस्तान में किया अस उते भी कैंपिंग कई अस उते भी टूअर कयो कच्छ के रण जो होते जो पेंजो रोमांस हो उते जो पेंजो मजो उते अस पे मतलब पेंजा पेंजू फीलिंग्स हुयो सो बहरहाल हर जगह जो पेंजो रोमांस होंदो आए पेंजो मजो होंदो आए पेंजो सुरूर होंदो आए सबनी जगह जो धरती जे सबनी जगह जो मजो वठन जरूरी आए सो जिंदगी जे जलील घड़न मा कुछ घड़ियों कढो ता नेचर सा मुखात बिठो ता नेचर से पढ़ो ता नेचर सा गद नेचर थियो ता नेचर थिन जाए जो रुलूम ते रण में रोलाक बनजी मता को मिलन जो मौजजो थी पे यो अपन प्यारे दोस्त कामरेड कच्छ की शायरी आ पूरी तो सा के याद ना है पर यो लाइन जो उन लिखियो हो कोविड वाले दौर में रुलूं पिया रण में रोलाक बणजी मता को मिलन जो मौजो थी पे यो अस ट्रिप ते व्या हुआसी मोटरसाइकिल ते यो तकरीबन विंगी का हेठ ले व्या हुआसी रण में तदे यो लिखो ढो जबरदस्त लिखो ना